ले रहा है, अगर कंट्रोल है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर नहीं है, हर क्लिनिक में हर फॉलोअप से दो दो यूनिट बढ़ाने से नॉट द हल, यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। और वो ये है, ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस है जो आपने डेफिनेटली हर किताब के अंदर रखी होती है और ये आपको पता ही है सारे इंश्योरेंस। इसके अलावा जो इंश्योरेंस आपको पता होनी चाहिए या ऑप्शंस टुवर्ड्स डायबिटीज का पता होना चाहिए वो ये हैं। इंटरेस्टिंगली अभी तक ये इसका मतलब कन्वेंशनल इंश्योरेंस का जो एनालॉग्स आए हैं इसका कतई नहीं मतलब नहीं है कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस वर्क नहीं करती है। उनके बहुत फायदे हैं, जैसा शायद मैंने बताया था, पुरानी वाली दवाइयों का फायदा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा ज़्यादा होता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाटा अगर ज़्यादा है अभी भी पुरानी कन्वेंशनल इंश्योरेंस का, उसका नुकसान भी है लेकिन साथ ह्यूज फायदा जो है वो कॉस्ट है। अगर आप मरीज को एजुकेट कर सकते हैं और अगर उसको साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हो, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस का आजकल की तारीख में हाइपोग्लाइसीमिया है और अनइंटेंशनल वेट गेन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो भी काफ़ी आराम से निगेट हो सकता है बाय पेशेंट एजुकेशन। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो अबव, और प्रोफेसर तारिक हुसैन भी बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हैं, अजीज़ुल रहमान साहब, शाहिद भाई भी बैठे हुए और एग्री करेंगे, आफ्ताब साहब भी। सर इंश्योरेंस की जो टेक्निक अगर आप पेशेंट्स को रिवाइज करवा दें, ट्रस्ट मी उसके यूनिट्स ऑफ इंसुलिन कम हो जाते हैं। इट डज मेक अ डिफरेंस। अगर पेशेंट 20-20 यूनिट ले रहा है और उसकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही, और अगर आप उससे पूछें, सिर्फ एक ही वाक्य बताऊंगा जो कि बात लंबी हो रही है, सेकंड लास्ट लेक्चर है, ट्रस्ट मी ये रियल टाइम सिनेरियो है और ये सही बात हो रही थी और मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली। बाबा जी की शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, हर दफा आ रहा था और कह रहे थे सर कौन सी इंसुलिन लगा रहे हैं, उन्होंने इंसुलिन भी बताई थोड़ी महंगी थी, उनका आज बताई देते हैं डॉक्टर साहब तो फारिग थे और सर रियल टाइम है ये वाक्य, उनका अब इंसुलिन लगाते कैसे हैं। तो बाबा जी ने उसके सामने सिरिंज थी, उन्होंने सिरिंज फड़ा, हाथ में इंसुलिन दिया, दैट वाज द फैक्ट। और ये सच है सर, एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंस है, दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि मुझे लगी थी, जिसके बाद से बहुत फर्क पड़ा। डायबिटीज जो एजुकेटर्स अब अवेलेबल हैं थैंक्स टू डिफरेंट कंपनीज, वो आप उनको 5 मिनट दे दीजिए, डज मेक अ डिफरेंस। आप करके देख लीजिए, मैं खुद अपने वाले साहब को इंसुलिन लगाता हूँ और उसके अंदर यकीन जाने में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक के बाद भी एक ड्रॉप बाहर गिर जाता है, और वो एक ड्रॉप का मतलब तकरीबन 4 यूनिट होते हैं कभी कभी। तो आप करके देख लीजिएगा, मॉडर्न इंसुलिन से कन्वेंशनल तरीका फास्ट एक्टिंग है तो टाइम बाउंड नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है और हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा इसका प्रोलॉन्ग और स्टेबल बेसल कंट्रोल होता है। दैट इज द एज ऑफ दीज इंसुलिन जो कि आप दूसरे लोगों से निगेट कर सकते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, चूंकि हम नॉर्मली आपको उनका पता होना चाहिए, एस्पार्ट अवेलेबल है विद प्रोटामिनेटेड एस्पार्ट, जो कन्वेंशनल 730 था कंबाइन कर दिया गया है तो बायस्प हो गया है, और ये उसी तरह लगाई जाती है जिस तरह पुरानी कन्वेंशनल 730 लगाई जाती है, विद द एज कि खाने के बाद भी कभी कभी लगा सकते हैं आप, इसका टाइम से बाउंड नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज है जो कि कम यूज होती है और इसमें दो कॉम्बिनेशन आईडेक एस्प है, और तीसरे नंबर के ऊपर दोनों मिला के बता दूंगा, लीरा ग्लूटाइड आईडेक। ये लीरा ग्लूटाइड वही लीरा ग्लूटाइड है जो प्रोफेसर अजीज ने बताई थी, बस फर्क ये है कि डायबिटिक्स में लीरा ग्लूटाइड अगर आप डायबिटीज कंट्रोल के लिए दे रहे हैं तो उसकी डोज डिफरेंट है, नॉन डायबिटिक्स में डिफरेंट है, नॉन डायबिटिक्स में ज्यादा है तो 3 मिलीग्राम, इसमें 1.8 से ऊपर आप तजावज नहीं कर सकते। एक ही नुकसान है फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन का कि आप टाइट्रेट अनिवार्य नहीं कर सकते। अगर आप कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है वो तो आप चला सकते हैं, लेकिन जब इंसुलिन के साथ एक और दवाई आ जाती है तो आप उस दवाई को नगेट कर सकते हैं। इसलिए आईडेक लीरा जिसके लिए मैं आपको बात कर रहा था, उससे पहले सिर्फ एक सी ये जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि बायस 30-50 का मतलब ये बायोफेजिक है, तो ये प्री मील भी कंट्रोल करेगी, पोस्ट मील भी कंट्रोल करेगी, एक ही टीका डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंट। आईडेक एस्प के अंदर एस्पार्ट है, एस्पार्ट का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग, और डेक्लूटेक इज अ बेसल इंसुलिन जो कि खाने से पहले वाली शुगर कंट्रोल करता है। तो ये आप बाय डिफॉल्ट, तो कुछ लोग ट्वाइस अ डे भी देते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट ये किया जाता है कि इसको वंस अ डे दें। इसका एक ही लॉजिक पाकिस्तान के अंदर इसके अगेंस्ट चीज आती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम है, महंगी दवाई है डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिट्स। और लास्ट स्लाइड के अंदर आईडेक लीरा की बात करूंगा एक मिनट, इसमें वही दवाई है एक तो जो कि लीरा ग्लूटाइड है, आईडेक का मतलब डेक्लूटेक है, वो जो कि आईडेक बेसल इंसुलिन, तो बेसल इंसुलिन है इसमें और साथ GLP-1 है। GLP-1 थोरेटिकली खाने के बाद वाली शुगर कंट्रोल करता है, दो के इसमें बहस हो सकती है, और जो डेक्लूटेक है वो खाने से पहले वाली शुगर जिसको नॉन फास्टिंग स्टेट या नॉन फैट स्टेट की शुगर्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इसका सिर्फ एक ही नुकसान है, चूंकि ऑलवेज वंस अ डे होती है और इसको आप दिन के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इसकी ये है कि इसकी मैक्सिमम 50 यूनिट्स है, बिकॉज 50 यूनिट्स इज इक्वल टू 1.8 मिलीग्राम ऑफ लीरा ग्लूटाइड।
तो सिर्फ ये चीज बेशक आपको ना बताओ, सिर्फ एक फायदा है इसका, इट्स ऑलवेज वंस अ डे। तो ये इनोवेशन है, वो फार्माकोलॉजिकल इनोवेशन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। बहुत और भी आई नहीं इनोवेशन, वो इसलिए डिस्कस करने का फायदा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है फिलहाल उसकी। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली उसको निगेट किया जा सकता है। तो दैट वॉज द मेन क्रक्स ऑफ दिस टॉक। थैंक यू। We extend our gratitude to Professor Fawad Rahnava Sahab and the commentary session well before its time. Your work in this field has been truly invaluable and we